वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी धोखे की पूंजी से ज्यादा कुछ नहीं है। दुनिया की जिंदगी क्या है, एक आदमी मिसाल के तौर पर ख्वाब में देखता है किसी ने उसको इतनी बड़ी सोने का जो है डल्ली दे दिया, उसको इतना बड़ा सोने का पत्थर दे दिया, उसको ले लिया, छोड़ रहा नहीं ख्वाब में। आंख जब खुलती है बीवी उठा रही, चलिए जाना है आपको जॉब पे, और आंख जब खोलती है तो देखा मुट्ठी बंद है, कि खोलने के बाद मुट्ठी खोला तो देखा कुछ भी नहीं है। दुनिया की जिंदगी बस उसकी हैसियत ऐसी है, यहां जितना भी पकड़ के रख रहा है, ये मेरा ये मेरा, ये कमा रहा वो हासिल कर रहा ये मेरा है, जैसी मौत आती है उसके रिश्तेदार देखते हैं उसको, क्या जाता उसके साथ में, चेकबुक जाता, मोबाइल फोन जाता उसका, जिसको छोड़ता नहीं कभी, मोबाइल फोन, चेकबुक, उसका पैसा, बैंक बैलेंस, उसके जेवरात, सब कुछ उससे छीन लिया जाता है, उसके कपड़े भी उससे उतार कर उसको एक दूसरा लिबास पहनाया जाता है, यूनिफॉर्म, कफन पहना के उसको दफन कर दिया जाता है, जाओ यहां से कुछ ले जा नहीं सकते, नॉट अलाउड। क्यों नहीं, वहां काम ही नहीं आता, ये वहां पैसा नहीं चलता, यहां पैसा चलता है। वहां क्या चलता है, वहां ईमान और अमल चलता है, यहां की करेंसी पैसा है, यहां वही चलता है, वहां की करेंसी पैसा नहीं है, वहां इज्जत यहां की डिग्री से नहीं मिलती है, वहां यहां के कनेक्शन काम नहीं आते, वहां क्या काम आता है, तुम कैसा जिए, तुम कैसा जिए, तुम अंदर से कैसे थे, बाहर तुमने क्या जमा किया वहां उसकी कोई वैल्यू नहीं, अंदर तुमने क्या जमा किया, तुम्हारा ईमान कैसा था, तुम्हारा अखलाक कैसा था, तुमने आमाल क्या क्या किए, तुमने कैसी जिंदगी गुजारी, जैसी जिंदगी तुमने गुजारी वैसी जिंदगी आखिरत में मिलेगी, अच्छी तो अच्छी बुरी तो बुरी। वहां का कानून अलग है, यहां का कानून वहां नहीं चलता, यहां का कानून वहां नहीं चलता है। तो वहां जब आंख खुलेगी देखेगा हाथ में कुछ भी नहीं, मैं तो सब पकड़ के बैठा था यहां पे, लेकिन सब छूट गया, कहां गया सब कुछ, रिश्तेदार कब्रिस्तान तक आते हैं कब्र में दफन करके हाथ झाड़ते देखते पहले कौन जा रहा, एक भी हिम्मत कर लेता, इज्जत गई तो गई कोई बात नहीं पहले मैं जा रहा, जब वो जाता उसके पीछे एक के बाद एक सब चले जाते हैं, कोई रुकता नहीं, बहुत देर तक रुकने वाला भी देखता उसको पीछे से आगे बोलते चलना कब तक रुकेगा, वापस थोड़ी आने वाले, वो गए, वो छोड़ के चले जाते, ये अपनी कब्र में पड़ा रहे। अब तू और तेरी जिंदगी जो दुनिया में गुजारा, अब तू उससे निपट, तेरा सारा कमाया हुआ हम एंजॉय करेंगे, बीवी बच्चे रिश्तेदार सब उनको मिलता, इसको क्या मिला, जवानी से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करते 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 करते, छोटी सी टपरी थी रास्ते पे फुटपाथ पे बैठता था, फिर उसके बाद छोटी सी टपरी लिया, उसके बाद छोटी दुकान लिया, दुकान से बढ़ते बढ़ते शोरूम खोला, उसके बाद मॉल लिया उसने, सब हासिल करने के बाद इतना बड़ा मॉल उसका है और कब्र इतनी छोटी है, मॉल नहीं कब्र, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद हाथ में क्या आया, जगह क्या मिली, घर में भी नहीं रखे घर वाले, नहीं नहीं हम हमारे घर में रखेंगे, बहुत मोहब्बत हमारे लिए, इतना कुर्बानी दी, इतना पैसा हमको दिए, अय्याशी की जिंदगी हमको दी, देखो इतनी मोटर कार, मोटर कार में भी नहीं, कंधे पे जाना है लोगों के, वही मस्जिद का जनाजा, और तुमको कोई बहुत बड़े पार्क में और तुम्हारे गार्डन में दफन नहीं होने वाले, कब्रिस्तान जो आम मुसलमानों का है, हो सकता है तुम्हारे से पहले उसी कब्र में कोई फकीर भी दफन हुआ हो, जाओ उसके अंदर, कपड़े बहुत महंगे महंगे, इतने कपड़े के चुनना मुश्किल हो जाता था पार्टी में जाने के लिए, नहीं सीधा साधा कफन लाओ, उसको लपेटो, गुस्ल दो, लपेटो उसको और ले जाके दफन कर दो, खत्म, कुछ भी नहीं उसका, गाड़ी की चाबी जेब में थी मरा जब, निकाल लेते वो भी, घड़ी निकाल लेते वो भी, दुनिया छूटने वाली है, दुनिया छूटने वाली, दुनिया की चीजें छूटने वाली, जो छूटने वाला है उसके लिए कितनी मेहनत, पूरी जिंदगी लगा दिया, और जो चीज बाकी रहने वाली है ईमान और अमल, उसके लिए कितनी मेहनत है,
छूटने वाली के लिए तू जिंदगी लगा दिया, और जिसको तू साथ लेके जाने वाला है उसके लिए तूने वक्त क्यों नहीं लगाया? बेवकूफ आदमी है तू, नादान है तू। इसीलिए कहा कि वमल हया तो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी मताए गुरूर यानी धोखे की पूंजी है। तो समझ रहा है सेफ है, सब कुछ मेरे पास है, छूटने वाला नहीं है, बराबर मैं संभाल के रखा हूं। नहीं, ये तुझको छोड़ के चला जाएगा या फिर तू इसको छोड़ के चला जाएगा, छूटना तो है। दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया के बारे में दो बातें याद रखना ज़रूरी है। नंबर एक, दुनिया इम्तहान के लिए है। दो, दुनिया बाकी रहने वाली नहीं। क़ुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुअहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने दुनिया में ज़मीन पर जो कुछ भी बनाया है, यहाँ के बागात, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की मोटर गाड़ियाँ, यहाँ के बड़े बड़े शोरूम, यहाँ के हर किस्म की जीनत, यहाँ के इसको हमने दुनिया के लिए जीनत बनाया है। खूबसूरती है, दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन खूबसूरती इंजॉय करने के लिए है, इम्तहान के लिए है। क्या इम्तहान है हमारा? दुनिया में खो के, चीज़ों में खो के इस दुनिया के मालिक को याद रखते कि भूलते हैं। दुनिया 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 की चीज़ों, अल्लाह ने इन सब चीज़ों को खूबसूरत बनाया है, इनमें रह के तुम अल्लाह को याद रखते कि नहीं रखते? और दुनिया तुम्हारी ज़रूरत है, ज़रूरत में बिजी हो के ज़िंदगी के मकसद को याद रखते कि नहीं रखते कि मरने के बाद भी तो एक ज़िंदगी है, उसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उस ज़िंदगी में जब मैं पहुँचूँगा तो मैं अच्छा बन के पहुँचना चाहिए, मैंने नेकियाँ जमा की हुई चाहिए। पैसे नहीं, लेकिन ये पैसे जमा करने में लगा और नेकियों को पसे पुश डाल रहा है, ज़िंदगी ख़त्म। इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा, हमने ज़मीन पर जो कुछ भी बनाया उसको ज़मीन की जीनत बनाया, खूबसूरती ज़मीन की है। क्यों? लिनब्लुअहुम, लिनब्लुअहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम लोगों को आज़माएं, उनका इम्तहान लें कि इनमें अमल के एतबार से कौन ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, मालूम हुआ कि असल चीज़ चीज़ें नहीं हैं, प्रॉपर्टी नहीं है, असल चीज़ इंसान का अमल है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इनमें अमल में कौन अच्छा है, कि दुनिया के अमल में लगता है या आखरत के अमल में लगता है। दुनिया के लिए भाग दौड़ ही में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है या आखरत की कामयाबी के लिए अमल करने में अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को लगाता है, अपने जिस्म को खपाता है। और आगे क्या फरमाया? व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और हम आखरत में यानी इस क़यामत के दिन क्या करेंगे? जो कुछ हमने उस पर बनाया ज़मीन पर, इसको हम क्या बनाने वाले हैं? बिखरी हुई धूल बना देने वाले हैं, सब ख़त्म होने वाला, खंडर बनने वाला ये, बल्कि बिखरी हुई धूल, अल्लाह ताला सब को ढा के ख़त्म कर देगा और ज़मीन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, कोई ऊंचाई ज़मीन में नहीं रहेगी। सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सारे बड़े बड़े मॉल, सारी बड़ी बड़ी गार्डन्स और सब कुछ, यहाँ की जीनत सब ख़त्म होने वाली है। अल्लाह ताला ने पहले तो बता बहुत खूबसूरत है दुनिया, हमने दुनिया को खूबसूरत बनाया। क्यों? तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए। अट्रैक्टिव नहीं होती तो इंसान इसकी तरफ दौड़ता नहीं, लेकिन ये इसको खूबसूरत बनाया और इसको हुक्म दिया कि तू इसमें रहकर मुझको याद रख और दुनिया में रह के आखिरत की कोशिश कर। ये इम्तहान है उसका कि तू चीज़ें जमा करने में लगता है या नेकियां जमा करने में लगता है, तेरा इम्तहान है। अगर तेरी निगाह में नेकी ज़्यादा अहम है, नेकी जमा करेगा। अगर तेरी निगाह में दुनिया की चीज़ें और यहाँ का माल मता, यहाँ का पैसा ये अहम है, तो इसके पीछे दौड़ के नेकियां बर्बाद करेगा। इसीलिए आज देखें आप, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, नमाजें बर्बाद कर रहा है पैसे के लिए, क्योंकि तेरी निगाह में पैसा असल है, नमाज असल नहीं है। तेरी निगाह में माल असल है, आमाल असल नहीं है। इम्तहान तेरा ये है कि तेरी निगाह में आखिरत की करंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमेशा रहना है,
या दुनिया की करेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां टेम्पररी रहना है, यही अकल ये चलाना है, दुनिया में थोड़े दिन रहना है, यहां की करेंसी लगती, और आखिरत में कितने दिन रहना है, हमेशा वहां की करेंसी तेरे पास है, यहां के सक्सेस के लिए जो चाहिए तू जमा कर रहा, अच्छी बात है भाई, कौन मना किया तेरे को, जमा कर, लेकिन वहां जाना है कि नहीं है? हाँ, कब जाना है? कभी भी जा सकते, अचानक फरिश्ता आएगा, चलो कहां, आखिरत में वक्त आ गया तुम्हारा, नहीं थोड़ा और मुझको यहां पे कोशिश करना है, मेरे कुछ और टारगेट से अचीव नहीं किया मैंने अभी तक के उसको। आप अपनी मर्जी से आए थे? नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं, आप अल्लाह के हुक्म से आए, अल्लाह के हुक्म से तुमको जाना है, तुम्हारी मर्जी चलती नहीं, एक ही चीज में मर्जी चलती तुम्हारी, कैसा जीना कितना जीना तुम्हारे बस में नहीं है, कैसा जीना तुम्हारे बस में है, तुम कैसा जिए यहां पे, भले चार दिन हो, पांच दिन हो, महीना हो, साल हो, जितना तुम जिए यहां पे, जितने साल दुनिया में जिए, कैसा जिए, क्या क्या तुमने जमाए नहीं, अपने आप को तुमने क्या बनाए, ये असल है, बाहर क्या जमाए ये असल नहीं है। लेकिन शैतान इंसान को ही धोखा देता है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास ये चीज़ होना चाहिए तो दुनिया में मेरा स्टेटस ऊंचा हो जाएगा, होता नहीं भी होता, आखिरत में यहाँ स्टेटस बनाने में थोड़ी सी जिंदगी, उसके बाद मरना है, 40-50 साल आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वहाँ हमेशा रहना है, हमेशा के मुकाबले में 60 साल क्या, 1000 साल भी कुछ नहीं है, वहां हमेशा 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 रहना है, कभी मौत नहीं आएगी, वहां की तैयारी तूने क्या की है, यहां मालूम है मौत आने वाली है, 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल वाला तो जीता भी नहीं यहां पे कोई, 100 साल से ज्यादा तो नहीं रहना है यहां पे, 100 साल की तैयारी है और वहां हमेशा रहना है, उसकी तैयारी नहीं तो करना क्या तू यहां पे, वहां जाके करूंगा, नादान वहां नहीं कर सकते तैयारी, यहीं रह के करना है जो भी करना है, वहां बदला है, यहां कोशिश है, यहीं रह के वहां की कोशिश तुझको करना है, एक एक करके दिन जा रहा है, एक एक करके साल निकल जा रहा है और तू वहां की कोशिश नहीं कर रहा है तो दुनिया की चीजों में लगा हुआ है, दुनिया असल नहीं है, आखिरत असल है, दुनिया असल नहीं है, आखिरत असल है, दुनिया फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है, दुनिया में माल काम आता है, आखिरत में आमाल काम आएंगे, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, आखिरत में हमेशा रहना है, क्या तैयारी किया उसकी,